एक अनार सौ बीमार, ये कहावत तो आपने सुनी ही है। और ऐसी कुछ स्थिति बनी है इस ऑक्शन के दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ, क्योंकि इनके पास कप्तानी का स्लॉट तो एक ही है लेकिन दावेदार अनेक हैं, क्योंकि इन्होंने रिटेंशन के दौरान कोई भी ऐसा प्लेयर रिटेन नहीं किया था जो इनके लिए अपकमिंग सीजन में आईपीएल में इनके लिए कप्तानी कर सके। साथ के साथ ये श्रेयस अय्यर पर भागे जरूर ऑक्शन के दौरान, वो इनके हाथ से गए। काफी सारे और दावेदार थे जो कप्तानी कर सकते थे, काफी सारे प्लेयर्स थे जैसे केएल राहुल, जॉस बटलर, इनको इन्होंने खरीदा नहीं और ऐसे में अब इनके पास कप्तान बचा नहीं है। और तो और इन्होंने ऑक्शन के दौरान सबसे बड़ी बोली लगा दी वेंकटेश अय्यर पर, तो अब इनका टीम तो बहुत अच्छी बन चुकी है, स्क्वाड काफी अच्छा है, लेकिन कप्तानी कौन करेगा ये इनकी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। साथ के साथ केकेआर की ओर से हिंट्स आ रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि कौन सा प्लेयर इस टीम की कप्तानी कर सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कोलकाता के पास कंटेंडर्स कौन कौन से हैं जो कप्तानी कर सकते हैं। सुनील नारायण इनके पास हैं, क्विंटन डिकॉक इनके पास हैं, आखिर में इन्होंने अजिंक्य रहाणे को खरीदा था, साथ के साथ वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह और सबसे बड़ा नाम मनीष पांडे इनके पास है। तो छह बड़े दावेदार इनके पास हैं और उनमें भी काफी सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो पहले कैप्टेंसी कर चुके हैं और कुछ प्लेयर्स पहली बार कैप्टेंसी कर सकते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है सुनील नारायण का। काफी सारे प्लेयर्स ये भी बताते हैं कि सुनील नारायण एक अच्छे गेम रीडर है, गेम की सिचुएशन को अच्छा समझते हैं और काफी ज्यादा फील्ड में एक्टिव होते हैं कैप्टेंसी को लेकर, तो ये प्रबल दावेदार है। और नाइट राइडर्स की जो बाकी फ्रेंचाइज है एलएकेआर एडीकेआर दोनों टीम्स की सुनील नारायण कैप्टेंसी भी कर रहे हैं, तो प्रबल दावेदार है। दूसरे कंटेंडर है क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक ने कुछ खास कप्तानी की नहीं है, हालांकि इन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए कुछ मैचेस में कैप्टेंसी की थी लेकिन फिर कंट्रोवर्सी में फंसे इनको कैप्टेंसी से हटा दिया गया और फिर इन्होंने खुद नहीं की, तो ये भी एक अच्छे कैप्टन है और ये कैप्टेंसी की भूमिका भी निभा सकते हैं। साथ के साथ हम और देखते हैं अजिंक्य रहाणे, यहां पर बड़ा नाम है। अजिंक्य रहाणे पहले जब राजस्थान रॉयल्स की टीम बैन नहीं हुई थी उसके पहले अजिंक्य रहाणे कैप्टेंसी कर रहे थे, जब अजिंक्य रहाणे रन अच्छे स्कोर करते थे, ऑरेंज कैप लेकर जाते थे। अच्छे कैप्टन है रहाणे और इन्होंने ऑक्शन के दौरान लास्ट में खरीदा है और ये भी एक अच्छे कंटेंडर बन सकते हैं। इनके बाद नाम आता है वेंकटेश अय्यर का। वेंकटेश अय्यर भी एक अच्छे दावेदार हैं, हालांकि इन्होंने कोई कप्तानी की नहीं है, कुछ खास एक्सपीरियंस है नहीं। मध्य प्रदेश के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी कप्तानी नहीं कर रहे हैं, रणजी में भी कप्तानी नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने एक वीडियो जारी करके बताई थी कि ये लीडरशिप स्किल्स रखते हैं और केकेआर की टीम इनको जरूर से देख सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस है नहीं और हमें नहीं लगता कि केकेआर इनको कैप्टेंसी देने वाली है। इनके बाद सबसे बड़े कंटेंडर कप्तानी के तौर पर सबसे बड़ा नाम आता है मनीष पांडे का। मनीष पांडे को ऑक्शन के दौरान इन्होंने बेस प्राइस पर खरीदा, लेकिन मनीष पांडे काफी अच्छे कैप्टन है, घरेलू में इनको काफी एक्सपीरियंस है, कर्नाटका के लिए खेलते हैं, कैप्टेंसी की है, रणजी ट्रॉफी तक जिताई है। जब केएल राहुल खेल रहे थे कर्नाटक के लिए तब मनीष पांडे उस टीम की कैप्टेंसी कर रहे थे, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। और एक समय तो ऐसा भी था कि विराट कोहली के बाद नेक्स्ट इंडिया का कैप्टन मनीष पांडे को देखा जा रहा था, क्योंकि मनीष पांडे उस समय अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में जाकर सेंचुरीज लगा रहे थे, तो मनीष पांडे भी एक अच्छे कंटेंडर रहने वाले हैं। लेकिन ऐसे में अगर आप प्लेइंग 11 देखते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो यहां पर आपको साफ दिख सकता है कैप्टेंसी कर कौन सकता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स इन्होंने बायबैक किए हैं, पूरी प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन सेम रखा है और जो प्लेयर्स इनको ऑक्शन के द्वारा नहीं मिल पाए जैसे फिल सॉल्ट, मिचेल स्टार्क, इन प्लेयर्स का इन्होंने लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट खरीदा है, तो ऐसे में प्लेइंग 11 साफ दिखाई दे रही है। ओपनर के तौर पर क्विंटन डिकॉक, सुनील नारायण करने वाले हैं, मिडिल ऑर्डर में वेंकटेश अय्यर रहने वाले हैं, नंबर 4 की भूमिका लास्ट ईयर तक जो श्रेयस अय्यर निभा रहे थे वो भूमिका इस बार बड़ी अच्छे तरीके से निभा सकते हैं मनीष पांडे, क्योंकि आप देखें श्रेयस अय्यर प्लेइंग 11 में एज एंकर रोल प्ले कर रहे थे, क्योंकि सुनील नारायण, फिल सॉल्ट, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, रसल, रमनदीप ये सारे हार्ड हिटर हैं, बड़ा स्कोर करने को जाते हैं और ऐसे में श्रेयस अय्यर एज फ्लोटर एज एंकर बड़ी भूमिका निभा रहे थे। और ऐसे ही एक प्लेयर यानी मनीष पांडे वो काम बेहद अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो मनीष पांडे की जगह प्लेइंग 11 में बेहद अच्छे से बनती है, एंकर के तौर पर खेल सकते हैं और टीम को कैप्टेंसी करके भी दे सकते हैं। तो मनीष पांडे सबसे प्रबल दावेदार है, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस दावेदार है और मनीष पांडे आईपीएल 2025 में केकेआर के लिए कैप्टेंसी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, सुनील नारायण, क्विंटन डिकॉक, वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे, मनीष पांडे या फिर रिंकू सिंह, आपको क्या लगता है किसे इस टीम का कैप्टन
कैप्टन होना चाहिए? कमेंट करके हमें अपनी ओपिनियन जरूर बताएं।